हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ओएसपीओ वर्चुअल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। हमने एक लैब सिनेरियो पे इसको हम क्रिएट करके दिखाएंगे। और अभी इस सिनेरियो के लिए मैंने ले रखा है तीन एरिया बनाई हैं, जिसमें एरिया जीरो जो बैकबोन एरिया है, ये एरिया वन और एरिया टू। अब जो एरिया टू के राउटर्स हैं, या ये एरिया टू जो है वो डायरेक्टली हमारी कनेक्टेड नहीं है एरिया जीरो से, तो हमारी ओएसपीएफ की सबसे पहले ये कंडीशन होती है कि आपका जो भी एरिया है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए या थ्रू वर्चुअल लिंक वर्चुअली कनेक्ट होनी चाहिए एरिया जीरो से। तो अभी हमने क्या कर रखा है, अभी हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। आईपी एड्रेस आपके सामने है, लूप बैक मैंने हर एक का, जैसे राउटर वन का 1.1.1.1, टू का 2.2.2 और थ्री का 3.3.3.3 और राउटर फोर पे 4.4.4.4 एडवर्टाइज किया है। किसमें इसका राउटर आई डी बना एज ए राउटर आई डी ये लूप बैक मैं यूज कर रहा हूँ, और बाकी नॉर्मल मैंने ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। अब भी मैंने वर्चुअल लिंक नहीं बनाया, वर्चुअल लिंक हमें बनाना पड़ेगा जो हमारे एबीआर राउटर है उनके बीच में, मतलब यहाँ से हमें राउटर टू की साइड में और टू से राउटर थ्री की साइड में ये वर्चुअल लिंक हम क्रिएट करेंगे, जिससे हमारी एरिया टू कनेक्ट हो जाएगी एरिया जीरो पे। तो अब भी हम चेक करते हैं क्या क्या राउट हमें नॉर्मली मिलने हैं और फिर वर्चुअल लिंक बनाने के बाद में क्या क्या चेंजेज हमारे आते हैं। तो सबसे पहले मैं राउटर फोर के पास मैं जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ राउटर फोर में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये इसके आईपी एड्रेस हैं, सो रनिंग कॉन्फिग बिगेन राउटर ओएसपीएफ, ये इसकी ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी मैं देखता हूं सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, इसके नेबर कौन है, ये नेबर बना हुआ है। सो आईपी ओएसपीएफ डाटाबेस, ये एलएसए इसके पास आ रहे हैं। सो आईपी राउट, तो अभी आप देख रहे हैं इससे सिर्फ कनेक्टेड राउट है, इसके डाटाबेस में जो है सिर्फ हमारा क्या है एरिया टू के हमारे पास ये एलएसए हमारे पास आ रहे हैं और नेबर से हमारे 3.3.3.3 के साथ बनी हुई है। अब मैं चेक करता हूँ राउटर वन पे, अगर मैं राउटर वन पे देखूँ तो राउटर वन पे हमारा क्या क्या रहता है। सबसे पहले आईपी चेक कर लेते हैं, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, फिर मैं चेक करता हूँ सो रनिंग कॉन्फिग बिगेन राउटर ओएसपीएफ, ओएसपीएफ की ये कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप देखें तो ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है, चेक करूं तो सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये इसके नेबर्स है। सो आईपी राउट अगर मैं देखूं तो ये हमारे इस पे राउट आ रहे हैं, इंटर एरिया राउट मिल रहे हैं, सिर्फ इसको कौन से एरिया के नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं देखूं तो ये जो 31 32 वाला राउट है, 32 वाला राउट ये वाला है एरिया वन वाला, एरिया टू के राउट इसको नहीं मिल रहे हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार राउटर थ्री में जाके भी आपको दिखा देता हूँ अभी क्या आ रहा है। अगर मैं राउटर थ्री की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो राउटर थ्री पे सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये हमारे आईपी हैं, सो आईपी सो रनिंग कॉन्फिग अगेन राउटर ओएसपीएफ, ये ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को राउट कौन कौन से मिल रहे हैं, सो आईपी राउट, तो ये देखिए इस पर 43 वाला एक राउट मिल रहा है और उसके अलावा इस पर 21 का एक राउट मिल रहा है। 43 तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये जो मिल रहा है इसको एक इंटर एरिया का जो राउट मिल रहा है वो सिर्फ एरिया जीरो वाला मिल रहा है। ठीक, अगर मैं इसमें देखूँ तो सो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स, इसके दो जो आमने सामने इसके राउटर्स हैं वो इसके नेबर्स बने हुए हैं। अब हम करते हैं ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन, फिर देखेंगे क्या राउट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन मेरे को जो वर्चुअल लिंक के लिए ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन अभी हम करके देखेंगे, तो वर्चुअल लिंक मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा राउटर थ्री में, राउटर टू की साइड में और राउटर टू से राउटर थ्री की साइड में। इसके बाद होगा क्या, अभी जैसे हमें राउटर फोर पे कोई राउट यहाँ के नहीं मिल रहे हैं, नहीं यहाँ पर हमें राउटर वन पे नहीं राउटर फोर वाले राउट मिल रहे हैं, तो इसके बाद क्या होगा, वो राउट्स हमें मिलने लगेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगी मेरी एरिया जीरो से। तो अभी चलते हैं राउटर थ्री पे, और राउटर थ्री पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा राउटर ओएसपीएफ वन और उसके बाद में एरिया वन वर्चुअल लिंक 2.2.2.3 2.2। वर्चुअल लिंक के बाद में अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो ये आएगा नेबर, सामने वाले का हमें यहाँ पे बतानी है राउटर आईडी या फिर आईपी एड्रेस।
ओके तो हमने ये वर्चुअल लिंक राउटर आईडी हमने 2.2.2.2 एडवर्टाइज किया, तो हमने ये वर्चुअल लिंक यहाँ से क्रिएट कर दिया राउटर 3 से राउटर 2 की साइड में। अब अगर मैं देखूंगा तो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स अगर करूंगा तो यहाँ पर अभी कोई नेबरशिप नहीं आई है क्योंकि सामने हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। तो अभी मैं राउटर 2 पे जाता हूँ और राउटर 2 पे अगर आप जाओगे तो राउटर 2 पे आपको कुछ मैसेजेस मिलेंगे, ये लॉक्स आपको मिल रहे हैं कि आपका वर्चुअल लिंक का इसको रिसीव हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने वर्चुअल लिंक क्रिएट नहीं किया तो इसके लिए एरिया आईडी मिसमैच ऐसे करके मैसेज दे रहा है। अब मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राउटर ओएसपीएफ 1 इसके अंदर जाएंगे, फिर एरिया 1 वर्चुअल लिंक, अभी इसमें यहाँ पर मैं कर दूंगा 3.3.3.3। ये जब मैं कर दूंगा तो फिर मैसेज आने बंद हो जाएंगे और हमारी नेबरशिप हमारा आपस में इनके साथ में बन जाएगी। अगर मैं देखूँ सो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स तो यहाँ पे देखिए एक ये वर्चुअल लिंक अलग से दिखाने लग गया। अब इसके वर्चुअल लिंक बनाने से क्या होगा कि इनके बीच में एक एक तरीके से ब्रिज का काम करेगा। अब अगर राउटर अभी हमने 2 में देखा था, अब अगर मैं राउटर 3 में भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपका ओएसपीएफ नेबर अगर मैं करूँगा ये वर्चुअल लिंक बन गया है। तो अब भी हमारे कनेक्ट हो गया है, अगर ये वर्चुअल लिंक बन गया है तो हमारी ये एरिया 2 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड हो गई है एरिया 0 से। अब अगर मैं राउटर 4 पे चेक करूँ सो आईपी ओएसपीएफ सो आईपी राउट, सिंपल हम राउट चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहले ये इंटर एरिया राउट क्या उधर के हमारे ये आ गया 3 और 2 के बीच का और ये वाला आ गया 21 2 और 1 के बीच का। तो पहले हमें ये वाले राउट नहीं मिल रहे थे 3 2 के और ये वाले भी नहीं मिल रहे थे, मतलब दूसरी एरिया के हमें कुछ नहीं मिल रहे थे, अब भी हमें मिलना स्टार्ट हो गए हैं। सेम चीज अगर मैं राउटर 1 पे जाके देखूं तो अब देखिए आपको दोनों एरिया के, इसके लिए क्या है ये वाले एरिया के तो मिल ही रहे थे, अभी आपको 2 1 वाले भी राउट आपको मिलने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है 2 2 1 की जगह और 4 3 वाले राउट भी आपके यहाँ पर अगर मैं देखूँ राउटर 1 पे जाकर के अगर मैं सो आई पी राउट कमांड चलाया तो यहाँ पर क्या है अब आपको ये 4 3 वाले राउट भी हमें मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक क्रिएट होने से क्या हुआ, इनकी ये सब एक दूसरे को क्योंकि ये इंटर एरिया राउट ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया तो ये लोग क्या ये अब क्या करने लग गए, अपने नॉर्मल जैसे ओएसपीएफ के एरिया 0 से कनेक्टेड हमारे जो भी राउट्स रहते हैं और जो नॉर्मल एरिया रहती है उसमें जैसे राउट प्रोपगेट करते हैं वैसे यहाँ पर राउट एक एरिया से दूसरे राउट पे अब हमें रिसीव होने लग गया। तो ये थी सिंपल ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक की कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ईजी है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जिस एरिया को आपको कनेक्ट करना है उनके एबीआर पे आपको ये कमांड चलानी है एरिया 1 फिर वर्चुअल लिंक, वर्चुअल लिंक के बाद में अगर आप राउटर 3 और राउटर 3 पे चला रहे हैं तो सामने वाले की राउटर आईडी और अगर राउटर 2 पे चला रहे हैं तो राउटर 3 जो उसके सामने वाला है उसकी राउटर आईडी बना करके एक ब्रिज की तरह काम करेगा जिससे हमारा वर्चुअली कनेक्ट हो जाएगा एरिया 2 एरिया 0 से और हमारे फिर राउट्स सिंपली वैसे ही प्रोवाइड करेंगे जैसे नॉर्मल एरिया पे होते हैं। मेरे हिसाब से आपका ये वर्चुअल लिंक की लैब इससे क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।